हाय गाइस, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? सुपर लैग हो, अच्छा लग रहे हो। मैं सोचा लैग हो रहा है, सस्पेंडेड, मैं डर गया एक मिनट के लिए। लैग क्यों रहा भाई? अच्छा लग रहे हो बोल रहे हो, तो थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी आ रही वॉइस? एकदम वॉइस अभी क्लियर आ रही होंगी, आई होप। अरे माइक चालू नहीं किया था, अभी माइक चालू कर दिया मैंने, टेंशन मत लो। सेटअप हो रहा था इसलिए माइक चालू नहीं किया था। आई थिंक अभी वॉइस क्लियर आ रही होंगी। एक बार मेरे को बता दो, वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? यस सर, यस सर, गुड टू गो, गुड टू गो। ओके भाई साहब, आई होप अब सब क्लियर हो ही गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो भाई साहब, सबसे पहले अपने भाई और बहनों को जल्दी जल्दी बुला लो, फटाफट बुलाओ उनको, फटाफट बुलाओ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट बुलाओ, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड टू गो। बिरयानी पक रहा है कढ़ाई में, मजा आता है सूरज सर की पढ़ाई में। भाई कहाँ कहाँ से लाते हो भाई तुम लोग? लव फ्रॉम तेलंगाना, लव फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड तो यार हेवन है, मतलब मेरी भी फेवरेट जगह है। आज तो आप हीरो लग रहे हो। आज मैं हीरो लग रहा हूँ क्या? पता तुम लोगों को ऐसे। थैंक यू भाई हीरो। थोड़ा सा क्या बोलते उसको, फ्लैश मार लेता हूँ मैं भी थोड़ी सी। तुम लोग हीरो बोल दिया यार, बड़ा बड़ी बात होगी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर एफर्ट्स, थैंक यू बेटा तुम लोगों को, क्योंकि तुम बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। लव यू फ्रॉम दरभंगा, झारखंड, धनबाद। क्या बात है। चलो, सो आई होप अब सब आ चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर। बाकी तुम लोगों को सब पता है, लव फ्रॉम नागपुर। अच्छा, अपने यस तो अपने नागपुर का ही है। तो अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे, एक बार पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का अगर आपको याद आ रहा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बोला था कि भाई मैं लास्ट क्लास के सबसे पहले आज रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके बारे में एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, ताकि तुम लोगों को फिर इसमें कंफर्टनेस आ जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, तुम लोगों को कंफर्टनेस नहीं आएंगी इसमें, तो दिक्कत होंगी। ठीक है, तो पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिविजन कर लेते हैं, फिर हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, नेशनल बॉडीज को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। शर्ट अच्छी लग रही है, ओके, थैंक यू भाई, बहुत पुराना शर्ट है मेरा, आज इच्छा होगी पहनने की, तो चलो सोचा पहन लेते। चलिए, सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हमने सबसे पहले पढ़े थे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हमने पढ़े थे कि भाई ये कब बना था, तो ये 1945 में बना था। ठीक है, ताकि जो एक्सचेंज रेट्स है उसके ऊपर क्या रख सके, ये नजर रख सके, फाइनेंशियल मॉनिटरी कॉपरेशन को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, इसीलिए ये IMF बनाया गया था इन 1945। एंड 190 कंट्रीज जो है वो इसकी क्या थी, मेंबर थी। मतलब बेसिकली जब ये बना था तब तो बहुत कम कंट्रीज मेंबर थी, लेकिन आज की तारीख में प्रैक्टिकली इसकी कितनी कंट्रीज मेंबर है, 190 कंट्रीज मेंबर है। देखो पहले क्या था इसके अंदर, पहले 189 कंट्रीज थी, लेकिन अब आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो इसमें 190 कंट्रीज क्या है, इसकी आज की तारीख में मेंबर है। क्लियर, तो पेपर में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 190 कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर है। 189 नहीं, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, वॉशिंगटन डीसी में। 24 इसके अंदर डायरेक्टर्स है, जो एक सिंगल कंट्री या अगर छोटी छोटी कंट्रीज है तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज को एक सिंगल डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, या कोई एक कंट्री को एक सिंगल डायरेक्टर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो देयर आर 24 डायरेक्टर्स इन दिस IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। उसके बाद इनके जो लार्जेस्ट बोरोवर है, सबसे ज्यादा उधार, सबसे ज्यादा लोन इनके पास से किसने लेके रखा है, तो चार कंट्रीज है, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट। वापस से, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट, ये चार कंट्रीज ने सबसे ज्यादा आज की तारीख में लोन इन लोगों से लेके रखा हुआ है, दिमाग में बैठा लो भाई। दूसरा, लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन किसने लिया हुआ है भाई साहब, लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन। ठीक है, प्रिकॉशन के लिए सबसे ज्यादा MCA, मैक्सिको, कोलंबो, मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबो, मोरक्को, इन लोगों ने सबसे ज्यादा क्या लेके रखा है, लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन लेके। क्लियर, लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन इनने लेके रखा है। इनके एम वही इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को स्टैब्लिश करना, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बैलेंस रखना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रखना, ये सारे इनके क्या मेन इंटेंशंस है।
वैसे IMF ने प्रिडिक्ट करा था, वो प्रिडिक्शन अब कुछ खास काम का रहा नहीं क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड के पहले वाले प्रिडिक्शंस वैसे ही कोई काम के नहीं है। 4.8% से बोले करंट फाइनेंशियल ईयर में 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट 1% से बढ़ जाएंगी और 5.8% हो जाएंगी, बट ये बात का कोई सेंस बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड आने के बाद ग्रोथ क्या सब नीचे जाने पर चालू हो गया। उसके बाद हमने पढ़े थे एशियन कंट्रीज के बारे में, आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़े थे एशियन कंट्रीज के बारे में। एशियन कंट्रीज का फुल फॉर्म बोले तो क्या, एशियन बोले तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट जो साउथ ईस्ट पार्ट में एशियन नेशन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जो एशियन नेशन है, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एशियन, ठीक है। ये एशियन ग्रुप बनाया गया बैंकॉक में, इसीलिए इसको एशियन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसीलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी क्या कहा जाता है, बोला जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एशियन डिक्लेरेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकॉक डिक्लेरेशन, क्योंकि बैंकॉक में ये क्या हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये जो एसोसिएशन बनाई गई थी 8th ऑफ अगस्त 1967 टू बी वेरी प्रिसाइज, 8th ऑफ अगस्त 1967 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। और जब ये बनी थी तो इसको पांच कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड। उसके बाद आज की तारीख में इसमें करंट में म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनाई, ठीक है, जैसे देश भी क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं वियतनाम। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर आर नाउ 10 मेंबर्स आर इन दी एशियन ग्रुप। तो एशियन ग्रुप में आज की तारीख में कितने मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है। तो सर क्या ये भी याद रखना जरूरी है कि जो बाकी मेंबर्स है वो कब कब जुड़े, नहीं, वो याद रखने की कोई नीड नहीं है, वो कब जुड़े कौन से ईयर में जुड़े यार इतना सारा याद तुम रख नहीं पाओगे। सो बेटर है ये कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती है अगर वो याद रख लेते तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रख पाए तो चलेगा, लेकिन ट्राई करना कि वो याद रख लो, ठीक है। उसके बाद 10 मेंबर्स है टोटल। पर्पजेस और एम सारे ऑर्गेनाइजेशन की सेम, पर्पजेस आसपास अप्रोक्सीमेटली सेम रहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए रीजन के अंदर, ठीक है, ज्वाइन एंडेवर से तो ताकि स्ट्रेंथ मिल सके, पीस स्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है, ट्रेनिंग और असिस्टेंट देंगे भाई, एक दूसरे के रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे के प्रोफेशनल्स को, टेक्निकल स्टाफ को, एजुकेशन पर्पज के लिए या रिसर्च पर्पज के लिए, ठीक है। साउथ एशिया स्टडीज को प्रमोट करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कॉमन एजेंडा है तो उसमें एक दूसरे को क्या करेंगे, ग्रुप बन के कॉपरेट करेंगे। दीज आर द एशियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन ग्रुप। एशियन के बारे में थोड़ा सा न्यूज ये थी कि भाई 2019 में जो एशियन का हर साल एक समिट होता है, ठीक है, वो समिट कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। उसके बाद वो कहाँ पे हुआ, हैनोई वियतनाम में हुआ 2020 में। 2021 में कहाँ पे है, ब्रुनाई में है। तो याद रखना है क्या सर, यस बिल्कुल याद रखना है, बैंकॉक में 2019, हैनोई में 2020 में, और हैनोई वियतनाम बेसिकली, और 2021 में ब्रुनाई में ये काम, ये समिट हुआ है। इसकी थीम 2019 की थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, मोदी साहब ने बोला था कि भाई हम मिलजुल के काम करेंगे, हम मैरिटाइम हो या सरफेस हो या एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल लिंक हो, ठीक है, उसमें उसको बढ़ावा देंगे और फ्री ट्रेड एरिया को भी बढ़ावा देंगे एशियन इंडिया का। ब्रिक कंट्रीज बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप है, किसका इनफॉर्मल ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो गोवा समिट हुआ था बेसिकली, ठीक है, गोवा में जो इसका समिट हुआ था उसकी कुछ यहाँ पे बातें दी हुई थी, और उसके साथ साथ आपको एक चीज मैंने याद रखने के लिए बोला था, इसके अलग अलग समिट्स मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ये इसके नाम के अकॉर्डिंगली चलता है, जनरली ऐसे ही होता है। तो अगर आप देखोगे तो 2016 में इंडिया गोवा, उसके बाद 2017 में जाइमन चाइना, उसके बाद जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राजील रशिया, और उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद अगेन कम्स टू चाइना, और फिर साउथ अफ्रीका 2022-23 में। क्लियर, 15% ही ट्रेड हो पाता है, इंट्रा ट्रेड की अगर मैं बात करूं ब्रिक कंट्रीज के बीच में, आपस में जो ब्रिक कंट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ 15% ही क्या कर पाती है, वर्ल्ड ट्रेड का पार्ट कर पाती है, जो कि बहुत कम है, ठीक है, जिसको बढ़ाने के लिए मोदी जी ने इनविटेशन भी दी हुई है जो इसके ब्रिक कंट्रीज के मेंबर कंट्रीज है कि तुम हमारी कंट्री में आओ, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ और आके क्या करो, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करो, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हारे को वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडिया ने ही फर्स्ट होस्ट किया था, ठीक है, क्या
ब्रिक्स कंट्रीज की वाटर मिनिस्टर्स की मीटिंग, ठीक है, जो अलग अलग ब्रिक कंट्री, 5 ब्रिक कंट्रीज है उनकी जो वाटर मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग इंडिया में ही क्या करी गई थी, होस्ट करी गई थी, एंड दैट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वाटर मिनिस्टर, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि मीटिंग से होती रहती है, बट वाटर मिनिस्टर की ये फर्स्ट मीटिंग है इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई बात उठी थी, फिर इंडिया ने अपनी बात रखी थी, बोले यार तुम क्या मजाक लगा के रखे हो, बोले कि टेररिज्म कोई मजाक थोड़ी ना है, बोले ठीक है, इसके चक्कर में $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को, जो कि मजाक बात नहीं है, सो हम लोगों को ये टेररिज्म को कुछ तो भी टेररिज्म का करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये, एक्चुअली में टेररिज्म बहुत गलत बात है, इसके ऊपर मैंने कल डिस्कशन भी थोड़ा बहुत बताया था आपको, किया था, ठीक है। फिर R-27 मिसाइल की डील हुई थी, A12 की पुरानी डील हो चुकी है तो कुछ काम की नहीं है। फिर आ जाता है सार्क नेशन, सार्क नेशन बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, मतलब वो था साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप, ये है साउथ एशियन नेशंस का ग्रुप, वापस है, वो साउथ ईस्ट का था, ये साउथ एशियन नेशंस का क्या है, ग्रुप है, इसके अंदर इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। अगेन इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना ठीक है, जो हुई थी वो 1985 में हुई थी, ठीक है, 1987 में काठमांडू नेपाल में इसका क्या बना था, हेडक्वार्टर बना था। प्रैक्टिकली देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर है, अफगानिस्तान इसका नाम पड़ती है आजकल दिल दहल जाता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, सॉरी चाइना बोल रहा हूँ मैं भी बार बार, श्रीलंका, मेरे पाकिस्तान मुंह में आता तो चाइना ही आ जाता मेरे मुंह में, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, आर दी मेंबर कंट्रीज। अगेन ये भी वेलफेयर साउथ एशिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए, ये सब के लिए ये क्या करा गया, बनाया गया है। फोर्थ मीटिंग हुई थी सार्क के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की, ताकि एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट कर सके। फिर फिल्म फेस्टिवल के ऊपर भी मीटिंग हुई थी। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, उसके बाद आ जाता है आपका G20, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। G20 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, मतलब टॉप 20 कंट्रीज, सर टॉप 20 कंट्रीज, इसलिए इसके अंदर किसका नाम नहीं आप लोगों को पता है, टॉप 20 कंट्रीज है भाई साहब मेरे, टॉप 20 कंट्रीज है ये, ठीक है, ओके। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो थम्सअप दे के बता दो एक बार, ठीक है, और नहीं भी आया होगा तो भी थम्सअप ही दे के बताना, क्लियर, ओके ओके ठीक है। सो अब नेक्स्ट बात आती है इसकी, प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम में ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाई गई है। टोटल अगर इसकी मैं बात करूं तो G20 ग्रुप के अंदर 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इसके अंदर ही कवर हो जाती है, मतलब ये 20 कंट्रीज ओनली दिस 20 कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमी की 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट यही अकेले कवर कर लेते हैं भाई, बाकी की जो देश है सिर्फ वो 15% में सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। उसके अलावा 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इस कंट्री का होता है, मतलब कैसा कि जो G20 ग्रुप है वो आपस में जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है। उसके साथ साथ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया और चाइना इसके अंदर है तो बात ही खत्म होगी ना फिर, तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इसके अंदर ही क्या होती है, कवर्ड होती है, क्लियर। उसके बाद हमने बोले थे कि इसके जो लीडर्स होते हैं G20 ग्रुप के, ठीक है, वो लीडर जो होते हैं हर स्टेट के, हर स्टेट एज इन हर कंट्री के, वो हर साल क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, एनुअली लीडर्स जो होते हैं वो एनुअली मीट करते हैं, बट जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर है वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मीट करते हैं। तो इंडिया के जो गवर्नर है वो तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलते, क्या हो रहा है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर से वो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, बट जो लीडर्स होते हैं वो एनुअली क्या होते हैं, मिलते हैं। थिंक टैंक्स वुमन एंड यूथ एंड साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा इसकी जो मीटिंग्स है मैंने वो आपको लिखा के दी थी कल, आई होप आपने लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, सर याद करना कंपलसरी है, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है चुपचाप याद कर लेने का, ठीक है। 2019 में, और याद मैं करवा देता हूँ ना, 2019 में ओसाका जापान, 2020 में रियाद सऊदी अरेबिया, 2021 में रोम इटली, जहाँ का जो थीम थी दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर पैनेडेमिक्स, तुम खुद सोच के देखो 2021 में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो तुमको थीम अपने आप ही याद रह जाएगी भाई, जीवन में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोरोना है, ठीक है, बाकी सब बाजू में,
ठीक है, आज की तारीख में वैक्सीनेशन और कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट मतलब उसको खत्म करना है हमारा इंटेंशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के लिए आज की तारीख में वही हो गया है। अभी मैं फिर देख रहा था केरला में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिए, मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, मतलब वहां पे बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाली इंडोनेशिया 2022, दिल्ली इंडिया 23, 24 में ब्राजील में होऊंगा। क्लियर? ओके ओके। तो फिर बिमस्टेक, तुम फुल फॉर्म बताओ बिमस्टेक का, व्हाट इज बिमस्टेक? सर यहाँ पे दिख रहा है हमको, फिर भी बताओ मेरे को, आई वांट फुल फॉर्म फ्रॉम ऑल यू, ठीक है। मेरे को चैट में बिमस्टेक का फुल फॉर्म चाहिए, बस उतना ही याद रख लिया तुमने, बहुत है। अरे बाबा, दाल बारबी वो आएगा किसमें? ई बुलेटिन में तो मैं पक्का पढ़ाऊंगा आपको, मेरे को क्या प्रॉब्लम है पढ़ाने में? क्यों कंफ्यूज करते हो बाकी लोगों को? काय के नेम लर्न नहीं हो रहे? हर्ष अवस्थी, क्या बात है क्या बात है। लेकिन फिर भी कई कम लोगों के ही नाम लिख पाए हैं, ठीक है। छोटा वाला होता तो अभी तक 50-100 चैट आ जाती, ठीक है। हर्ष स्पैम मत कर, ठीक है ओके। अब किसके नाम लिखो? जब तुमको डाउट पूछना रहता है ना तो तुम सीधा सीधा डायरेक्ट डाउट पूछा करो बच्चा, ठीक। घुमा फिरा के, सर ये नहीं समझ, अबे क्या समझ में नहीं आ रहा सर, ये याद नहीं हो रहा, क्या याद नहीं हो रहा? फिर बोलते सर आप हमारी चैट नहीं देखते। अरे जो दिख गया सामने वो देख लेते हम लोग, कैसा यार तुम्हारा अलग ही गरम चलते तुम लोग। हाँ नमस्ते भाई, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या ही बोलूँ मैं अब तुम लोगों को। चलो आई होप बिम्स्टेक का फुल फॉर्म वगैरह क्लियर होगा। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। वापस से, बे ऑफ बंगाल स्टैंड फॉर बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, डेट इज कॉल्ड एज बिमस्टेक। जो बे ऑफ बंगाल से सर्टिफिक सिटीज है, सॉरी कंट्रीज है, ठीक है। उनने एक अपना क्या बना के रखे हुए, ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हुए। सर ये कब बनी थी? सर ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनी हुई है 1997 में, ठीक है 1997 में। सर ये सब यहाँ तक की क्या थी आपकी? अच्छा इंडिया की जो शेयरिंग सेरेमनी हुई थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह, तो ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज के मेंबर्स है इनके लीडर्स को वहां पे क्या करा गया था? इनवाइट करा गया था, आओ भाई और हमारे शपथ ग्रहण समारोह में तुम भी हिस्सा लो। तो ये इसीलिए यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था। यहाँ तक कल यार, हाथमा को सबको क्लियर है क्या भाई? हाँ बस दिल पे लगा दी तुमने, इतने एकदम कॉपी पेस्ट करने का चालू कर दिए। चलो चलो, बे ऑफ बंगाल हो गया क्लियर। अब यहां तक क्लियर है एक बार मेरे को बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। थ्री 51 लोग बैठे हैं, लाइक के नाम पे सिर्फ 200 लाइक है, क्या ही बोलूं मैं। बट डिसलाइक वाले एकदम कंसिस्टेंट है बेचारे। ओके गुड टू गो सर, गुड टू गो, गुड टू गो। ओके सर याद हो गए, याद हो गए, ठीक है ठीक है। क्या याद हुए वैसे? ओके चलो, सो फिर अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, चैट वैट बंद कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब हम चालू कर रहे हैं नेशनल बॉडीज को, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? अगेन नेशनल बॉडीज। अब व्हाट आर दैट नेशनल बॉडीज? एक्सक्यूज मी, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़े, इंटरनेशनल बॉडीज पढ़े थे, वैसे ही ये क्या है? नेशनल बॉडीज है, ठीक है। और थोड़ी सी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, नेशनल बॉडीज में ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि एक चीज, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट जो आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो 25 मार्क्स का है, और उसके साथ साथ एक बिजनेस, क्योंकि बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा, मतलब उसमें 3 ही चैप्टर है, ये भी 25 मार्क का है। और इसके अंदर जो 3 चैप्टर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो एक चैप्टर है मेनली
वो ये सिर्फ नेशनल बॉडीज के ऊपर दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे कवर करूंगा मैं करंट अफेयर्स में। वापस से बोल रहा हूँ, बिजनेस एनवायरमेंट में 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसमें से 2 ही चैप्टर प्रैक्टिकली आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पार्ट है आपका मैं ही पढ़ाऊंगा वो भी। सो आपको पहली बता देता हूँ कि जो आपको थर्ड पार्ट है बिजनेस एनवायरमेंट के, थर्ड चैप्टर है जो बेसिकली, वो पूरा का पूरा चैप्टर ये करंट अफेयर्स के अंदर ही क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और खासकर उसके अंदर ये जो नेशनल बॉडीज आपको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर से हमने एक दो बॉडीज पढ़ भी रखे हैं, इफ यू रिमेंबर ICSI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हमने पढ़ भी रखे हैं, ठीक है। बट फिर भी हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये उसके अंदर ही क्या होती है, कवर होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भी कवर होती है, वहां पे भी कवर होती है, इसका वेटेज यहाँ पे भी है और इसका वेटेज कहाँ पे भी है, वहां पे भी है। सो इट्स बेटर कि हम लोग इसको जब पढ़े तो एकदम बहुत शिद्दत से और ध्यान से पढ़े। क्लियर? ओके, चलो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी, तो सबसे पहले आ जाता है आपका नीति आयोग। ठीक है, क्या आ जाता है आपका? नीति आयोग। एक एक करके हम पढ़ते हैं, पहले नीति आयोग पढ़ते हैं, फिर RBI, फिर सेबी, फिर CCI, फिर IB और फिर ICSI। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका नीति आयोग। अब ये व्हाट इज नीति आयोग, है ना, नीति आयोग है क्या एक्चुअली? कैसा है ना, हमारी कंट्री में क्या होता है, पहले आपको अगर ये बात याद होगी तो बचपन में आपने शायद ना, वो बचपन का प्यार नहीं बोल रहा हूँ ना, लायक बचपन में आप लोगों ने क्या करे होंगे, वो प्लानिंग कमीशन करके कुछ सुने होंगे। अच्छा, नहीं भी सुने होंगे तो आपने पंचवर्षीय योजना जरूर सुने होंगे, 5 ईयर्स प्लान, आई थिंक सिविक्स विक्स में हुआ करता था बचपन में। ठीक है, था कि नहीं, मैं तो 10th तक पढ़ता नहीं था, मेरे को इतना आइडिया नहीं है भाई, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं तो 10th तक पढ़ता ही नहीं था, तो मेरे को इतना पता नहीं है कि कायम रहता होगा वो। आई होप सिविक्स वगैरह में रहता था। ठीक है, तो एक बार मेरे को चैट में याद दिला दो बरा कि सिविक्स में रहता है था कि नहीं, वो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान करके कुछ चीजें होती थी। था क्या, पढ़े हो क्या कभी इसके पहले, सुने हो क्या? हाँ सर, पढ़े हैं सर, यस सर। तो वो हुआ करता था, तो क्या था बेसिकली, उसमें क्या रहता था कि हमारी कंट्री की एक प्लानिंग कमीशन थी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्लान्स बनाना कि किस तरीके से आने वाले 5 साल गुजारे जाएंगे इंडिया में, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा इंडिया में 5 साल तक, किस तरीके से क्या काम करा जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, एग्रीकल्चर किस तरीके से बढ़ेगा। तो ऐसे हर साल 1950 के बाद से हर साल 5 साल के, सॉरी, हर बार पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, 5 ईयर्स प्लान्स क्या करे जाते थे, बनाए जाते थे। ठीक है, और बेसिकली ये बनाने का काम किसको दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को, जिसका काम था हमारी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या करना, प्लान करना, प्रॉपरली प्लानिंग, एक कमीशन बनाई गई थी जिसका काम ही था सिर्फ प्लानिंग करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ताकि इंडिया को क्या करा जा सके, आगे लेके जाया जा सके। आज तक की अगर मैं बात करूं तो आज तक, अभी तक, मतलब 2014 तक ये प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करता था, देश बनने के बाद से लेके अभी तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी आए, ठीक है, 2014 में मोदी जी पहली बार मई में आए, अगस्त में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि बोले हम ये प्लानिंग कमीशन उठा के बंद कर देंगे, बोले ये ओल्ड फॉर्म हो चुका है, कोई काम का नहीं है, बोले ये, ठीक है, हम ये प्लानिंग कमीशन उठा के बंद कर देंगे। 2014 में उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी, 15th अगस्त 2014 में रेड फोर्ट से, ठीक है, बोले ये प्लानिंग कमीशन बहुत ओल्ड हो चुका है, अब इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह हम थोड़ा सा इंडिया के अंदर एक नई चीज लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज नीति आयोग, दैट इज नथिंग बट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बनेगा, जो कि ना सिर्फ प्लान करने की काम करेगा, प्लानिंग करने के साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन और बहुत सारे अलग चीजें भी क्या करेगा, वो आयोग करेगा। तो बेसिकली ये नीति आयोग क्या करा गया, बनाया गया इन 2014 में अनाउंसमेंट हुई थी, 2015 में ये क्या करा गया, बनाया गया। एक एक करके हम पढ़ते हैं, नीति आयोग प्रीकर्सर द प्लानिंग कमीशन, मतलब नीति आयोग के पहले प्रीडिसेसर जो थे वो प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग इज द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन, एंड जी नीति आयोग द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950, मतलब मार्च 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया था, जो कि 2015 में बेसिकली बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। अच्छा, यहाँ पे ऑलवेज एक चीज रहती थी प्लानिंग कमीशन में, कि भाई प्लानिंग कमीशन जो था पहले, उसका जो चेयरमैन रहते थे वो कौन रहते थे, हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते थे, मतलब जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर रहते थे उस समय, ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन के क्या रहते थे, चेयरपर्सन रहते थे। द इनिशियल मैंडेट वॉज टू एस्टेब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज। स्टार्टिंग में क्या था हमारी कंट्री का इंटेंशन, कि हमारी कंट्री में हैवी इंडस्ट्रीज लाई जाए थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ मीन्स फॉर अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया जब नया नया बना था ना, सो स्टार्टिंग में हमारा सबसे बड़ा इंटेंशन ये था कि भाई हम लोग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। द फंक्शंस असाइन टू द प्लानिंग कमीशन वेयर टू असेस एंड एलोकेट प्लान रिसोर्सेज, फॉर्मुलेट प्लान,
प्लानिंग कमीशन को काम क्या दिया गया था, वो चेक करते थे, असेस करते थे, एलोकेट करते थे रिसोर्सेज प्लान के अकॉर्डिंगली, कि कहाँ पे कितनी रिसोर्सेज हमारी कंट्री के लगने चाहिए, कहाँ पे कितनी रिसोर्सेज जाने चाहिए, उनके लिए प्लान्स फॉर्मुलेट करते थे, ठीक है, अलग अलग एरियाज अलग अलग प्रोग्राम्स डे बनाते थे, मतलब बेसिकली उनका प्लानिंग सबसे मेन क्या था, काम था, ठीक है। डिटरमाइन इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, किस तरीके से उसको करा जाएगा। इंप्लीमेंट मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से जो भी प्लान करा गया है काम, ठीक है, जो भी काम करना है उसको किस तरीके से एक्चुअली में काम करा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, ठीक है। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड अप्रेज एंड एडजस्ट इंप्लीमेंटेशन। द प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 1950 टू 2014 फॉर्मुलेटेड 12 5-year प्लान। सर वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में देखा जाए तो अभी, ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको प्लानिंग कमीशन क्या करता था सिर्फ वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन बेसिकली प्लान बनाता था, रिसोर्सेज एलोकेट करता था, ठीक है, प्रोग्राम बनाता था, फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी डिसाइड करता था, फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब कहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कहाँ पे हमारे पास कौन सी रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमारे ये जो प्लान है पर्टिकुलर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, उसको भी वो क्या करता था, चेक करता था। प्लानिंग कमीशन ने 1950 की बात से 12 5-year प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, उनने क्या कर दी थी, बना दी थी। बट मोदी जी को लगा कि भाई ये काम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसकी जगह कुछ नया टाइप का, कुछ मॉडर्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो उनने बना दिया क्या, नीति आयोग। उनने क्या बना के रख दिया, नीति आयोग उनने बना दिया, क्लियर। अब ये 2014 में रेड फोर्ट से डिसाइड हुआ था, बट बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नीति आयोग वाज फॉर्मड इन 2014, नहीं, नीति आयोग वाज नॉट फॉर्मड इन 2014, नीति आयोग वाज फॉर्मड इन 2015, 2015 में वो बना था, मोदी जी 14 में आए थे, 15 में नीति आयोग बनाए थे, ठीक है, विच इज वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन, आज की तारीख में सबसे नया और सबसे बच्चा, सबसे छोटा, छोटा इज इन उम्र में छोटा, ठीक है, कामों में छोटा नहीं, उम्र में छोटा, इसलिए यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन बोला जाता है इंडिया का डेमोक्रेसी के बाद, यानी बहुत सब इंस्टीट्यूशन जो है वो पहले पहले बने हुए, ठीक है, अभी अभी रिसेंट में ऐसा कोई खास बने नहीं थे बड़े इंस्टीट्यूशन, तो ये जो है वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विथ रिफॉर्म्स एजेंडा, गवर्नमेंट का इंटेंशन ही जब से वो आई थी रिफॉर्म करना था इंडिया के अंदर, ठीक है, तो रिफॉर्म एजेंडा माइंड में रखते हुए उनने नीति आयोग को रिप्लेस, नीति आयोग बना दिया टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को पूरी तरीके से हटा के उसकी जगह क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एन इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम द पास्ट। नीति आयोग एक्ट एज अ क्विंटेस्टाइल प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग द स्टेट्स टूगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या है, काम है, ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनके काम करता है जो कि हर स्टेट को क्या करता है, एक साथ लेके आता है। मतलब प्लानिंग कमीशन दूसरे प्लान बना के छोड़ देता था, लेकिन ये लोग प्लान भी बनाते हैं, प्लान के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, हर स्टेट्स की नीड्स को समझते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लान बना दिया वो सबके ऊपर थोप देंगे, नहीं, ये सारी स्टेट्स को की प्रॉब्लम समझते हुए, उनके काम समझते हुए, उनके इंटरेस्ट समझते हुए, सारी स्टेट्स को एक साथ नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, साथ में लेके आता है, ताकि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म जो है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या हो, बढ़े। ऐसा ना हो कि वो स्टेट कुछ अलग चल रही है, वो स्टेट कुछ अलग चल रही है, भाई तुम दोनों अलग अलग स्टेट हो, मैं मानता हूँ तुम्हारे स्टेट के लिए ये भली गलत होगा, तुम्हारे स्टेट के लिए भली ये सही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को एक साथ आगे खड़े रहना पड़ेगा अगर ये हमारे नेशन के इंटरेस्ट में है। तो अगर कोई भी चीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आ जाती है तो ये नीति आयोग क्या करता है, स्टेट्स को एक साथ लेके आता है, ताकि हम क्या करें क्लियर, ताकि हम क्या करें, देश का नेशन सॉरी कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसको आगे लेके आ पाए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करती है प्लानिंग का नीति आयोग कि भाई कोई पर्टिकुलर स्टेट को बढ़ावा देंगी या किसी और को बढ़ावा देंगी, नहीं, ये सारी स्टेट्स को साथ में लेके आने का काम जरूर करती है। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, इज वन ऑफ द डेमोक्रेसीज यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन, ये डेमोक्रेसी का सबसे नया और सबसे छोटा बड़ा, मतलब उम्र में छोटा इंस्टीट्यूशन है, यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द मैंडेट ऑफ री इमेजिनिंग द डेवलपमेंट एजेंडा बाय डिसमेंटलिंग ओल्ड स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग। एंड देखो अब ये थोड़ा सा क्या था, जब पहले क्या था, पहले जब प्लानिंग कमीशन था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सेंट्रल प्लानिंग करा करता था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली प्लानिंग कर दिया करती, ठीक है। अब थोड़ा सा नहीं, नीति आयोग को थोड़ा सा चेंज कर दिया, नीति आयोग के अंदर क्या करा है, प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से ही प्लानिंग करता था, नीति आयोग क्या करता है, प्लानिंग कमीशन ऐसा करता था, नीति आयोग क्या करता है, सारी कंट्रीज जो है, सॉरी सारी स्टेट्स जो है, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखता है।
और उनको एक साथ लेके आता है ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले, ठीक है। ऐसा ना लगे स्टेट्स को कि भाई वो उनको साइड में फेंक दिया गया और सेंट्रल ने हर चीज हमारे पे लाके क्या कर दी है, थोप दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये बहुत ही बहुत बढ़िया चीज करता है। नीति आयोग वॉज मैंडेट टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इवॉल्व अ नेशनल कॉन्सेंस ऑन डेवलपमेंट गोल्स, रीडिफाइन द रिफॉर्म्स एजेंडा, एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेंट्रल इश्यूज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये एक और चीज का काम करता है, एक तो स्टेट्स को साथ में लेके आता है, और उसके साथ आपने एक चीज नोटिस करे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लड़ती रहती है, अनलेस एंड अंटिल दोनों में एक ही की गवर्नमेंट है। सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, कभी नहीं लड़ेंगी। सेंट्रल में बीजेपी है, ठीक है, और स्टेट में कोई और टाइप की गवर्नमेंट है, तो भाई इन लोगों को साथ में लेके आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, टैक्स है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा ये बोलते रहेंगे कि ये हमारे साथ नुकसान कर रहे हैं, हमारे स्टेट को ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगी कि हमको कॉपरेट नहीं करते हैं, ये हमारे साथ प्रॉपरली चलते नहीं है, मतलब आपस में ये लड़ाई चलती ही रहने वाली है, ठीक है। ये आज पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है, आने वाले सालों तक चलते रहेंगी। बट यहाँ पे क्या करता है ये जो नीति आयोग है, ये सेंटर और स्टेट को, ठीक है, इनके बीच में जो भी इशूज है उसको रिजॉल्व करवाने के लिए क्या करता है, काम करता है, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के नेशन का काम करा जा सके। क्लियर? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज कैपेसिटी बिल्डिंग टू एक्ट एज ए नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इट रिप्रेजेंट ह्यूज मैंडेट फॉर नेसेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नीति आयोग इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक। अच्छा, नीति आयोग को एक और नाम दिया गया जो पेपर में आपको पूछ सकते हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक बोला जाता है। थिंक टैंक बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बेसिकली ये सोचता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सोचने का काम है वो ये करता है, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, किस तरीके से काम करा जाएंगे ये सारे इनपुट्स वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। साथ साथ स्ट्रेटेजीज और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्रोग्राम गवर्नमेंट के लिए बनाना, ठीक है, ये एडवाइस करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल इश्यूज पे, ये सारे काम हमारा नीति आयोग करता है। तो भाई नीति आयोग, अब देखो प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लान करता था, प्लान के लिए मेथोडोलॉजी क्या रहेंगी वो देखता था, बस खत्म होगी बात, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं सेंट्रल को, स्टेट को प्रॉब्लम हो रही है क्या हो रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करता है, ये सब तो काम करता है जो प्लानिंग कमीशन करता था सोचने वाले, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखता है, स्टेट सेंटर के इश्यूज सॉल्व करता है, चार पांच अलग अलग स्टेट से उनको भी एक साथ मिला के चलता है, ताकि भाई तुम साथ में आओ, ताकि हम नेशन के इंटरेस्ट में आगे काम कर सके। तो ये सारे भी काम क्या करता है, नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग इज बेसिकली एक यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन इंटेंशन है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जो पहले इंडिया हुआ करता था उसके चेंज करके एक नया इंडिया हम क्या करें, बनाए, नया इंडिया ट्रांसफॉर्म करें। क्लियर? यस और नो? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा तो फिर मैं एक बार आगे बताते हैं उसका। ओ भाई, ये रवि चौधरी को ब्लॉक कर दो, मैं बोल रहा हूँ इनको, भाई को गेम्स खेलना है, जो भी मॉड है रवि चौधरी को ब्लॉक कर दो, नालायक है ना, नहीं पढ़ना है ना इसको, मत पढ़, बच्चों को भटका रहे, आओ बोले क्या खेलते, बोले क्लास चल रही है, टाइम पर चल रहा है ना क्लास में, मैं बताऊंगा क्या क्या याद रखना है, ठीक है, टेंशन मत लो। अर्पिता मैं बताता हूँ, पहले एक बार कंप्लीट कर ले तो फिर मैं बताता हूँ। ओके, चलिए, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, क्या क्या कौन कौन है नीति आयोग के अंदर, तो आपको तो ये चीज याद रखनी है हमेशा कि चाहे प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था या अभी नीति आयोग है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ना वो ऑनगोइंग करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी हमारी कंट्री के करंट ऑनगोइंग प्राइम मिनिस्टर है ना वो इसके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी साहब, तो इसके चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी साहब। तो जो भी, हमेशा ये चीज याद रख लेना कि जब भी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो इसके करंटली क्या रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे। वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर रवि कुमार है इसके, ठीक है। सीईओ मैंने एक लिख के दिया, जो आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा था, मैंने अलग से लिख के दिया, अमिताभ कांत, ठीक है। सीईओ जो है इसके वो कौन है, अमिताभ कांत। CEO is अमिताभ कांत, ठीक है। तो इसके ये क्या है, CEO है, ठीक है। फुल टाइम मेंबर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चांद, डायरेक्टर VK पॉल, इसके फुल टाइम मेंबर है। सर इनके नाम याद रखना है क्या, नहीं। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, CEO, इन तीनों के नाम याद रखो, दैट्स इट।
सर इनके नाम मजबूरी कंपलसरी है कि याद रखना, हाँ ये तीनों के नाम तो भाई याद रखना है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। किस किस के नाम बोला है, समझ में आया, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, उसके अलावा तुम्हारा सीईओ, इन तीनों के नाम याद रख लो, दैट्स इट। थैंक यू हर्ष, क्लियर? हर्ष बोल रहा है भैया मैं क्लियर हुआ तो जुलाई एग्जाम 150 मार्क्स से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भाई हर्ष। सीईओ का बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ, ठीक है, जो कंपनी के पूरे डे टू डे वर्क कामकाज पूरी तरीके से क्या करता है, संभालता है। चेयरपर्सन इज दी हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर नीचे लिख के दिया है, बोला सीईओ, मैंने ऊपर लिख दिया उसको, ठीक है। सर एक्स ऑफिशियल मेंबर स्पेशल इनवाइटीज, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो अलग अलग मिनिस्टर्स के नाम लिखे हुए, ये इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है, स्पेशल इनवाइटीज है, ठीक है। जो बाकी जो मिनिस्टर्स है उनको लगता है तो इनको भी बुलाया जाता है, या इनको जो मेंबर्स है इनको भी काम के लिए बुलाया जाता है अगर जरूरत पड़ी तो, बट हमको इनके नाम याद करना है क्या, कोई नीड नहीं है, गलती से भी गलती मत कर लेना, पूरे भर भर के मिनिस्टर्स के नाम दिए हुए, ठीक है, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो है ऊपर की पार्ट इसको याद रखना है, क्लियर? गॉट इट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुमको यहाँ ये पेज में बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तुमको याद रखना है ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, दूसरा तुमको ये याद रखना है कि ये बनी थी 2015 में, 2014 में अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लानिंग कमीशन हम क्लोज करेंगे, लेकिन नीति आयोग जो बनी थी 2015 में बनी थी, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कि किसकी सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब ये किसके बाद बनी, तो इसकी प्रीडिसेसर थी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन की सक्सेसर है नीति आयोग, ठीक है, इस तरीके से। इसके इसका एक और सबसे बड़ा काम है कि सेंट्रल और स्टेट को क्या करती है, टुगेदर लेके आती है। इसके चेयरपर्सन हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो है, जो वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर रवि कुमार है, और सीईओ जो है अमिताभ कांत है। तो इतनी बातें इसके अंदर आपको अच्छे से क्या रखनी है, याद रखनी है, इतनी बातें तो आपको अच्छे से याद रखनी ही रखनी है, क्लियर? चलिए अब कुछ रिलीवेंस दिए हुए क्या बोलते हैं नीति आयोग के, जो बेसिकली हमने वहां पे पढ़ी ली है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने आपको एक एक करके समझा समझाई दिया, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग लाइक हेल्थी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इंडिया एक्सेट्रा, विच गिव परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग ऑफ स्टेट्स वेरियस वर्टिकल टू फोस्टर स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस इन डिफरेंट स्टेट इन वेरियस सेक्टर। अब क्या करता है नीति आयोग, यह हर स्टेट को ना परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग देता है हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर में मतलब परफॉर्मेंस। अब इसने क्या कर दिया, कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया स्टेट के बीच में, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन, ठीक है, और क्या कर दिया, रैंकिंग सिस्टम चालू कर दिया, बोले हम हर स्टेट को क्या देंगे, रैंक देंगे, काय के बेसिस पे रैंक देंगे हम, उनके हेल्थ सेक्टर के बेसिस पे कि कितने बढ़िया तरीके से उनका हेल्थ सेक्टर चलता है। तो अब यार हर जब हर स्टेट को रैंकिंग दी जा रही है तो हर स्टेट ये चाहती है कि वो रैंकिंग में टॉप आए, और टॉप आने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्या करती है, काम करती है। तो इसीलिए इन्हें क्या कर दिया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्रिएट कर दिया। मतलब क्या, मतलब भाई स्टेट्स के बीच में क्या क्रिएट कर दिए, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कैसे, रैंकिंग देना चालू कर दिए। तो रैंकिंग देना चालू कर दिए तो ऑटोमेटिकली हेल्थी स्टेट्स के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं कौन सी स्टेट हेल्थी है कौन सी नहीं है। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग इट गिव्स बेटर रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स इन दिस बॉडी विच फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द लाइन मिनिस्टर, आल्सो हेल्प टू एड्रेस इश्यूज इन शॉर्टर टाइम। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया गया। मतलब क्या, जो कंपोजिशन है नीति आयोग का वो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है स्टेट्स को, ताकि प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके जो मिनिस्टर से उनके साथ, ऐसा ना हो कि वो गैप हो जाए स्टेट की और वो जो जिनसे बात करना उनके बीच में क्या हो जाए, गैप हो जाए, ऐसा नहीं हो। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, नीति आयोग एस्टैब्लिश डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर विच कलेक्ट डेटा ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिनिस्टर इन रियल टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई अब नीति आयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करता है, उसके अलावा ये एक और काम करता है, ये जो सारे मिनिस्टर्स है उन मिनिस्टर्स का परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम रियल टाइम बेसिस पे। इनके कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करे और उसको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट कर पाए, ताकि किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसके ऊपर इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत पड़े वो इजिली हम क्या कर सके, कर सके। ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहे, इल्जाम लगाते रहे। और ये चीज आपने एक चीज नोटिस ही करे होंगे, मोदी गवर्नमेंट में ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेरे को कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है, ठीक है, उनको वर्क के अकॉर्डिंगली कौन कितना अच्छा काम कर रहा है
उसके अकॉर्डिंगली क्या करा जाता है, रैंकिंग और बातचीत की चीजें दी जाती है, ठीक है। तभी तो अभी तुमने जुलाई में देखिए कि भाई बहुत सारे मिनिस्टर्स को निकाल के बाहर कर दिया और सब नए मिनिस्टर्स लेके आए जो प्रॉपरली काम नहीं करते थे, तो उनको निकाल के बाहर कर दिया। तो ये भी चीज ये करती है। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आना, ये भी इसका क्या है, काम है। कन्वर्जेंस फॉर रिजोल्यूशन, बीइंग अ कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलर इश्यूज फेस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर स्टेट्स, इट एक्ट्स अ कन्वर्जेंस पॉइंट एंड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इशू। भाई एक मीडिएटरी, कन्वर्जेंस पॉइंट बोले तो एक मीडिएटरी बनके काम करता है ताकि जो स्टेट्स है या बाकी लोगों के जो इश्यूज है उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। क्लियर? ये बहुत टाइम पहले न्यूज में था जो अभी खास काम का नहीं है। स्टेट नीड टू बी बीस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसने एक छोटा सा चीज की थी कि भाई स्टेट को ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके अंदर बहुत पीछे है और हमारे स्टेट्स तो और भी पीछे है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लियर। तो ये जो मैंने मार्क करा है यहाँ पे इतना याद रख लिया आपने, नीति आयोग में तो बहुत है जो आपको यहाँ पे भी काम आएगा और बिजनेस इन्वायरमेंट में भी काम आएगा। मेरे को बता दो क्लियर है कि ये नीति आयोग, थोड़ा सा नीति आयोग बड़ा था मैं मानता हूँ। थैंक यू भाई मोंटी। यहां तक क्लियर हो गया तो एक बार बता दो, यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। ओहो तुम इतनी जल्दी थक जाते हो यार, बहुत ही जल्दी थक जाते हैं यार तुम लोग। हाँ प्रवीण सर की क्लास में तो एक एक घंटा बैठते, करंट अफेयर्स में तुम लोगों को बड़ी होती है, ये क्या बात होगी। देखो मेरा प्रवीण सर, बाप रे एक घंटा पढ़ाया उनने तो, मैं 45 मिनट पढ़ाता हूँ रोज ईमानदारी से, और वो 45 मिनट में भी तुम लोग नहीं सर था, बस सर बस। मानता हूँ करंट अफेयर्स है, मानता हूँ मैं, ये जूम का आदिल समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तू बार बार पूछ रहा है सर आज शाम को जूम पे आऊंगे ना आप, क्यों भाई तेको किसने बोला मैं जूम पे आने वाला हूँ शाम को? थीम चेंज कर दूँ मैं, करता हूँ यार दे थीम चेंज करता हूँ, चलो वो अपनी वाली लगाते यहाँ पे भी ऐसा कर देंगे, वो बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है थीम में, ठीक है वो भी ले आएंगे, बस तुम्हारे लिए वो भी करने की ट्राई करेंगे। ये वेदी का वेदी की चौहान है ना, नालायक, इसमें रटना होता है, इसमें कोई रटना वटना नहीं होता है, मैं 10 बार रिवाइज कराते रहता हूँ। रटना उसको बोलते हैं जो तुम एक ही चीज को 10 बार 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 पढ़े जा रहे जिसे याद करने के लिए भाई, ये 2015 2015 2015 2015, ये इसको रटना बोलते हैं, ठीक है। जब तुम बार बार इसको रिवाइज करते हो और इसको समझ समझ के रिवाइज करते हो तो उसको रटना नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको समझ समझ के रिवाइज करना सिर्फ दिमाग में तुम्हारे रहे, इसीलिए डेट्स वेट्स है, इसीलिए बार बार इसको मैं बोलते रहता हूँ। अरे दीपशी मेरे को क्या पता आपका डाउट क्या है, मेरे को नहीं दिख रहा आपका डाउट, अभी भेजिए दोबारा। ओके फिर मिल, ओके सो फिर अब कल बात करते हैं आगे, ठीक है। कल हम ट्राई करेंगे कि नेशनल बॉडीज हमारी खत्म हो जाए, विल ट्राई टुमारो, हमारी कल नेशनल बॉडीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, हो जाएंगी, क्योंकि ICSI हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, और RBI भी पढ़ रखा है, लेकिन स्टिल एक बार नालायक को तुमको ये मैं बोलना चाहूंगा कि तुम एक बार RBI क्या कर लेना कल पढ़ के आना, थोड़ा सा जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो क्योंकि कल RBI बताना है, RBI का एक्चुअली मैंने पूरी चीज बता दी आपको ऑलरेडी, हम RBI बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट एक छोटा सा रेपो रेट और ये जो थोड़े बहुत CRR SLR वगैरह है ये थोड़ा सा कल एक बार डिस्कस करा दूंगा तुमको मैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ओके देन मिलते हैं, ठीक है, ऑल थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, दिल से अच्छा लगता है तुम्हारे भाई को, बाकी तो क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, बाय गाइस।